वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज। चुप करके सुने कि मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूं। भाई क्या है, क्या है, बंद कर दीजिए ये, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है, मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है, ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते। ईरान से तेल ले ना, किसने आपको रोका है? आप डरते हैं यार, एक एक महीने में तीन तीन ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का। अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो चार भाई खाएंगे, चार रोटियां होगी तो चार भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है, और हम अपनी एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज्यादा नहीं लेके जाते। ऐसे तो नहीं होता कि हम बोरो करें और हम अपने फालतू के खर्चों पे कोई कैपिटल हमारा उसमें से कोई फायदा ना हो, लेकिन मैं अपने कपड़ों पे स्पेंड करूं, मैं अपनी गाड़ियों पे स्पेंड करूं। ऐसे तो कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी नहीं करता। पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाब दे है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाब दे है, जो अपने घर छोड़ के महाजर होके इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाब दे हैं जो इन्होंने हमारी अवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट, जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16, और कहां हैं वो सारे अशराफिया? कहां आपने टैक्स किया एमएनएस को? कहां आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहां आपने टैक्स किया एमपीएस को? कहां आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहां आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहां आपने आईपीपीज को टैक्स किया, जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ, हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान, ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा जमीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात है। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45 जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं, किस किस्म का ऐवान है ये? यहां पर मिनिस्टर आते नहीं है, कोई जवाब दे नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? वेयर आर दे? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, मैं आई वॉज दी ओनली वन इन द हाउस हु वेलकम्ड हिम बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, बट द पॉइंट इज सर, नहीं जैसे वेलकम कर सर। देखें मैंने आपसे पहले कहा कि हम इज्जत सबकी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे, आगे आए। हाँ पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। अच्छा आप सुन ले, देखिए जी मैं बजट से पहले आई वेंट टू सी के पाकिस्तान में आया किसी को अक्ल भी है, मैं तो ना समझ बेवकूफ जो मर्जी हूं, मैंने कहा किसी को अक्ल भी है कि बजट कैसे बनना चाहिए? इधर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कायदे आजम यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एहसन इकबाल साहब अरस्तू प्लानिंग के, और वो एक जहांजेब साहब जिनको जहेज में लेके आई हुई है नून लीग, ये कब से प्लानिंग चला रहे हैं, क्या इनको समझ आती? ये देखिए एक एक चीज, 15-16 किताबें मैं इधर लेके भी आई थी, सब कुछ जाहिर है। अभी हमारी ऑनरेबल सादिया अब्बासी साहब ने जिक्र किया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का, क्या हम अंधे हैं, क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? द वर्ड रेप हैज बीन एक्सपायर्ड, गुड ठीक है जी,
अच्छा प्लीज मेरा टाइम ना लें, बिकॉज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है इनको बहुत। प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। आई एम ओनली, दिस इज द ओनली पावर आई हैव इन दिस हाउस इज टू स्पीक एंड आई एम टाइम जाया ना करें, शी इज द मोस्ट फायरी स्पीकर। अच्छा जी, 18,000 बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये किस किस्म का बजट है? पिछला जो आईएमएफ की 23वीं ट्रेंच आई थी, उसका 42% आपने एमएनएस को ग्रांट्स दिए थे, क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था, इसको भी एक्सपंज कर दें। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब अवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराहत आप दे रहे हैं अपने लोगों को, ये कहां का इंसाफ है? अच्छा ये मुझे बताइए, और फिर आप जनाब, अच्छा ये पीएसडीपी का क्या ड्रामा है? पीएसडीपी आउटमोडेड, आउट ऑफ, इट इज अ यूजलेस प्रोग्राम। गाड़ियां और घरों की मराहत ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें से लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी 10% जो बजट है हमारा पाकिस्तान का वो खा जाती है, और ब्यूरोक्रेसी देती क्या आपको? सवाए रेड टेपिज्म के कोई किसी किस्म का काम नहीं होने देती। आपकी एसआईएफसी क्यों नाकाम है? क्यों नाकाम है? इसलिए नाकाम है कि आपकी वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिटे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फखर नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। आईएमएफ के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमारा क्लाइमेट चेंज में कोई लेना देना नहीं है। पेरिस क्लब आपकी जितनी भी मूड्स होती हैं, दे आर सपोज टू गिव अस मनी, क्यों नहीं मांगते उनसे? क्यों नहीं उनसे निगोशिएट करते फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ? नहीं है हम में इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए हैं ना जी, हमने जो हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे माजरत के साथ नालायक, अगर लायक होते तो आज वो यहां पे खड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारी कैबिनेट से लड़ते कि क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ। हमें पता है अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका जमीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है, आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम है। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में, उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है, और बाकी जो नहीं है उनकी औलाद, उन्होंने भी उनसे हाथ जोड़ लिए हैं। और बाहर जाके लंदन में क्यों अल्ताफ हुसैन साहब रह सकते हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं? मैं तो 10 दिन नहीं रह सकती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है, कौन रह सकता है वलायत में इतने दिन? पाउंड जो 300 से ज्यादा का है, कैसे आते हैं ये पैसे? मनी ट्रेल नहीं दे सकते आप। 11 बिलियन डॉलर, सुने देखे, जब आप हुकूमत में होते हैं तो अपने में बर्दाश्त पैदा करें, तहमुल पैदा करें, सुनने की अपने में, आपको कोई काम की बात ही हम बताएंगे, अपने एक्सपेंसेस कम करें, पहले 11 बिलियन की बात सुने। कहां से आए 11 बिलियन यूएस डॉलर जो इस वक्त यूएई में हमारे पाकिस्तानियों के पाक्ट हैं, जो वहां पे जाके पैसे लेते हैं, जो जहाजों में पैसे जाते हैं? देना मनी ट्रेल क्यों नहीं मांगती फाइनेंस मिनिस्ट्री? 3.8 मिलियन लोगों का इनके पास डेटा है जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनके बाहर के ट्रिप खत्म नहीं होते, इन्होंने एक ट्रिप के ऊपर इन्होंने कहा कि बाहर नहीं जा सके, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं आप उनको टैक्स करते? अशराफिया को टैक्स करें। औरंगजेब साहब बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन औरंगजेब साहब, यू विल गो इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पीपल, आई विल नॉट टेक द वर्ड, नेम द वर्ड, बिकॉज वो फिर एक्सपांज हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप पाकिस्तानी हैं, जो लोग, अगर हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान का हक अदा करें। इस मुल्क ने हमें पैदा किया है, इस मुल्क ने हमें खिलाया पिलाया है, कैसे कर, कोई मुश्किल नहीं है रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो चार भाई खाएंगे, चार रोटियां होगी तो चार भाई खाएंगे, भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप,
वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं। अच्छा एक और बड़ा झूठ, झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्कल के पागल तो नहीं है हम, 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे? पिछला बजट भी इन्हीं का था, पिछला बजट भी पीडीएम का था, शहबाज शरीफ साहब वाज ऑन द चेयर। तो मुल्क को, जब आपको मैं टाइम दूंगा आप जो मर्जी बात करें, मुल्क को मेरा वक्त, मैं 4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी जो इन्होंने इंटरप्शंस की हैं। थैंक यू सर। अच्छा मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। देखिए मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूं, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दीज इश्यूज। मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, उनके पास क्या जवाब है? उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, और फिर वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ। माशाल्लाह लीडर ऑफ द हाउस तो यहां मौजूद नहीं होते। हमारी कमेटियों का आधा मसला इसलिए है कि इसहाक डार साहब अवेलेबल नहीं होते। मुझे बताएं इतने बड़े बड़े 3 ओहदे किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं वो, इसका भी हिसाब दे। उससे पहले वो सेनेटर भी थे और कई साल वो ऐवान में नहीं आए। मुझे प्रूफ दिखाएं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली उन सालों की, बिल्कुल ली होगी। तो ये जो बातें हैं ये हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम टैक्स देते हैं, मैं अपना सब कुछ, आई यूज टू लिव इन दुबई, मिडल ईस्ट में मैं थी 13 साल के लिए, मेरी उधर की प्रॉपर्टी मैं बेच के आई, बैंक अकाउंट बंद करके आई, चुप करके सुने, और हम यहां पर सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेके आए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है, ये क्या मजाक है? अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए, वी वॉन्ट टू सी। कहते हम तनख्वाह नहीं लेते, एक तनख्वाह इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है, और एक एक महीने में 3-3 ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का, फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाएं। भाई क्या है, क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है, आपका रिको देख, आपका सैंड, बाकी जो आपके लिथियम और क्या कुछ आपके पास है, साउथ वजीरिस्तान, मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है? चुप करें, सुने, 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 इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपका सच निकल रहा है तो तकलीफ की चुप करके सुन ले, हम भी आपकी बड़ी बातें सुनते हैं। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी मैंने क्या कहा है, अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, अभी तो मैंने, अच्छा सर मैं पहले, दूसरी बात, नहीं सर, नहीं सर, सुने, देखे बात सुने, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, इतनी अदम बर्दाश्त, ये बात नहीं सुन सकते। औरंगजेब साहब के लिए मेरे 2 और सवाल हैं। हमारी व्हाइट इकोनॉमी 350 बिलियन $350 की है, और हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो डिक्लेयर्ड है वो 460 बिलियन $USD की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा है। आप क्यों नहीं उसको टैक्स नेट में लेके आते? क्यों नहीं आप स्मगलिंग बंद करते? क्योंकि आपके अपने सब लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आप ब्लैक इकोनॉमी को कम करते? क्यों नहीं आपने ये जो डीसी वैल्यूज लगाई हुई है झूठ की के जी, जो जो इधर करोड़ों से कम क्या है, वो कहते हैं जी लाखों में है। अपने एसेट्स तो पहले सारे डिक्लेयर करें, हुकूमत में आने से पहले के एसेट्स, हुकूमत में से जाने वक्त के एसेट्स, हमने यहाँ लोग देखे हैं जो आते हैं। सर सर 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इतना इन्होंने इंटरप्ट किया है, मेरी जो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट थी उसको इन्होंने डिसरप्ट किया है। सर आई रिक्वेस्ट योर इंडल्जेंस। सर बात यह है कि दिस country is going to the dogs by design, माजरत, लेकिन this is a design, और इस design में हमारे East India Company की सोच रखने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं वो इसमें पूरी तरह से involved हैं। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर
एसेट शो किया, उस दिन के बाद से आपके सारे दुश्मन इकट्ठे होके आपके ही बंदों के थ्रू आपके मुल्क को खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, चार हमारे हमसाए हैं, चार हमसाए, चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है, मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? 37% ऑफ आर इंपोर्ट बिल इज ऑयल। आप बार्टर पे ईरान से तेल ले ना, किसने आपको रोका है? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते? अरे भाई, आप क्लाइमेट चेंज की आवाज क्यों नहीं उठाते? दिस इज सच अ ह्यूज इशू। वी आर द कंट्री इन द वर्ल्ड विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। व्हाई कांट वी टॉक अबाउट इट? व्हाई कांट वी लेवरेज इट? हमने तो गोटे, हमने एक कोनिया पकड़नी है, दूसरे हमने गोटे गिटे पकड़ने हैं। हमारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू।